हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एकदम इंस्टेंट नाश्ते की रेसिपी, चावल के अप्पे। ये एकदम झटपट तैयार हो जाते हैं और इंस्टेंट हम इसे तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और एकदम इजी है इसे बनाना, तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक लेना है बाउल, और इसमें हम ऐड करेंगे चावल का आटा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कॉफ़ी मग यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी मेजरिंग कप ले सकते हैं। तो मैं एक कप चावल का आटा ले रही हूँ, तो ये मैंने चावल का आटा ऐड कर दिया है। तो अब इसमें हमें ऐड करना है रवा 1/3 कप। अब इसमें हम 3/4 कप दही ऐड करेंगे। अब इसमें आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें। अब आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक विस्क की हेल्प से या एक स्पून की हेल्प से अच्छे से आप इस तरह से मिक्स कर लें। अब ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक है, तो अब इसमें हमें ऐड करना है 1/2 कप पानी। बहुत ज़्यादा इस टाइम हम पानी ऐड नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो बस इस तरह से आप पानी ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लें। इस तरह से अच्छे से एक बार और मिक्स कर लें, और ये हमारा जो बैटर है ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए लिड लगा के रेस्ट करने के लिए रखेंगे। इसमें हमने रवा ऐड किया है, इसलिए हमें इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रखना है। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हमारा जो अप्पे का बैटर है इसे हम देख लेते हैं। तो हमारा बैटर जो है ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं रवा जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से एकदम सोक हो गया है। तो अब इसमें हमें ऐड करना है 1 स्प्रिग करी पत्ता। तो मैंने करी पत्ता इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, और 1 हरी मिर्ची इसमें आप ऐड कर दें। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसमें हमें ऐड करना है 1 बारीक कटी हुई प्याज। तो अब वो हमें साइड में रख देना है बैटर को, और अब हम एक तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए आप एक पैन में ले लीजिए 1 टेबलस्पून जितना ऑयल, और 1 टीस्पून राई हम ऐड करके इसे क्रैकल कर लेते हैं। तो हमारा तड़का हो गया है रेडी। तो अब जो हमने बैटर बना के रखा है उसमें आप ये तड़का ऐड कर दें। इस अप्पे में आप तड़का ज़रूर से ऐड करें, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब इन सारी चीज़ों को हमें अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करना है। तो अब अच्छी तरह से इस तरह से हम ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, और एक साथ इस बैटर को अच्छे से आप मिक्स कर लें। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो ये अप्पे बनाने का बर्तन होता है उसे आप अच्छे से एक बार गर्म कर लें, और थोड़ा सा इसमें हमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम एक एक करके इस तरह से 1 करछी अप्पे का बैटर ऐड कर देते हैं। एकदम सॉफ्ट और फ्लफी अप्पे बनते हैं। एक बार ज़रूर से आप इस रेसिपी को मेरी ट्राई करें, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और एकदम हेल्दी है ये रेसिपी। अब इस तरह से लिड लगा के अप्पे को आप कुक कर लें। तो ये देखिए एकदम ये रेडी हो गए हैं, ये देखिए एक तरफ से ये एकदम रेडी हैं। तो मैंने क्या किया था, बहुत जल्दी इसे टर्न कर लिया था, आप ऐसा मत करिएगा। थोड़ा सा लाइट ब्राउन एकदम नीचे से जब क्रिस्पी हो जाएंगे अप्पे, तभी आप अप्पे को टर्न करें। दूसरी तरफ से भी इस तरह से आप अप्पे को अच्छे से कुक कर लें, एकदम लाइट ब्राउन कलर होने तक का। बहुत ही झटपट बन जाते हैं, ये देखिए एकदम रेडी हो गए हैं हमारे अप्पे, बिल्कुल तैयार है ये खाने के लिए। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि ये कुक हो गए हैं कि नहीं। ये देखिए ये बिल्कुल कुक हो गए हैं। तो आप एक एक करके ये जो अप्पे हैं इसे आप एक सर्विंग डिश में निकाल लें। तो ये देखिए इतना ब्राउन कलर हमें अप्पे में लाना है, ये मैंने सेकेंड बैच तैयार किया है, ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है।
और ये जो चटनियाँ मैंने इसमें सर्व की है इसके साथ में, ये दोनों रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर की है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में इन दोनों का लिंक दे दूंगी, तो आप ज़रूर से चेक करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी है ये, तो ज़रूर से ट्राई करें आप ये मेरी रेसिपी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।